विकासखंड पंचरुखी में गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें जयसिंहपुर विधायक रविंद्र धीमान बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण करते हुए तिरंगे को सलामी दी। माननीय श्री राजवाड़िया जी और उपस्थित इस हॉल में उपस्थित मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रेस से मेरे बंधुओं, मैं अपनी ओर से गणतंत्र दिवस पर आपको हार्दिक बधाई देता हूं और इस महान उत्सव को मनाने का हमारा जो प्रयोजन है इसकी एक संक्षिप्त सा विवरण आपको माननीय वीडियो सिकंदर जी ने दिया। आज ही के दिन 1950 को एक संवैधानिक व्यवस्था ऐसी की गई, जैसे आपको बताया गया कि छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक गणराज्य बना। इसके अलावा बैजनाथ में गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर एसडीएम छवि नांटा ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। के लिए हाजिर श्रीमान, परेड को सलामी एवं सेव गुजरने की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। वहीं बैजनाथ के नजदीकी धार क्षेत्र में 72वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां विभिन्न पंचायतों में नव निर्वाचित प्रतिनिधियों ने ध्वजारोहण के उपरांत तिरंगे को सलामी दी। समारोह के दौरान पूर्व सैनिकों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके उपरांत विशाल रैली भी निकाली गयी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पंचरुखी से उपेंद्र कटोच, बैजनाथ से चमन ढोरू व तिनबट से ध्रुव देव की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सौरभ बहल, आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरे शहरवासियों को और देशवासियों को 26 जनवरी की ढेर सारी बधाइयां देता हूं। और मैं और मेरी आम आदमी पार्टी उन किसानों के साथ, किसान जथेबंदियों के साथ हर वक्त खड़ी है और हम 26 जनवरी की जो किसान रैली है उसका समर्थन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। पठानकोट ट्रेड फेयर एवं डिज्नीलैंड मेला की ओर से 27 जनवरी से 12 फरवरी तक समय सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक शॉपिंग महाबाजार का आयोजन किया जा रहा है। यह बाजार नजदीक LIC ऑफिस ट्रक यूनियन सैली रोड पठानकोट में स्थित है। इसमें बच्चों के लिए झूले, क्रॉकरी, ज्वेलरी,
रेडीमेड कॉस्मेटिक गिफ्ट आइटम, जयपुरी चूरन, खिलौने, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, वाटर फिल्टर, सहारनपुर फर्नीचर, फैंसी सोफा, टेराकोटा पोटरी, हर तरह का आचार, डिजाइनर लेडीज सूट, लेडीज चप्पल, हैंडलूम तौलिया, मैट और अन्य प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे।